मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 मुन्ना त्रिपाठी की मौत के साथ ख़त्म हुआ था और हमें ऐसा लग रहा था कि कालीन भैया भी अब मर चुके हैं। अब सीज़न 3 इस हिसाब से तो वहीं से शुरू होना चाहिए जहां गुड्डू बनेंगे किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, जो कि बन भी जाते हैं। अब गुड्डू बन चुके हैं किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, साथ में हैं उनके गोलू और दोनों मिलकर रहते हैं त्रिपाठियों के घर में, जहाँ पर बीना त्रिपाठी भी रहती हैं अपने लल्ला के साथ। अब सब कुछ सही चल रहा है, ये इस घर में रह रहे हैं, लेकिन एक जो गुड्डू का सबसे बड़ा दुश्मन है वो जिंदा है, जिसका नाम है शरद शुक्ला। अब शरद और गुड्डू के बीच की जो ये जो दुश्मनी है, ये कितना खून बहाएगी पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में, ये मिर्ज़ापुर 3 की कहानी है। क्या इस शो में आपको मज़ा आता है? आइए देखते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दिस रिव्यू इन इंग्लिश, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इस बार जो मिर्ज़ापुर के फैंस हैं ना, वो इस सीज़न से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है सीज़न को आए, लेकिन ना ही इसने उस कदर की पॉपुलैरिटी अभी तक हासिल की है, ना ही उतनी बातचीत हो रही है जितनी पिछले सीजन्स के बारे में होती। तो इसके क्या कारण हैं? जो मेरे हिसाब से मुझे लगते हैं कारण, आइए मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला जो कारण है, इस बार हमें कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी गई है। एक जो पूरा ग्राउंड है ना, वो ही चेंज हो गया है। जो सीज़न 1 और 2 थे ना मिर्ज़ापुर के, उसमें हमने ऑलमोस्ट इसके सारे मेन लीड और सेकंड लीड कैरेक्टर्स देख लिए थे। मेन लीड माने अपने गुड्डू भैया, कालीन भैया, और सेकेंडरी में माधुरी का किरदार हो गया, बीना त्रिपाठी हो गया, गोलू टू सम एक्सटेंड, और जो गुड्डू के पिताजी हैं वो डिम्पी, रॉबिन है ना, ये सेकेंड लीड्स हो गए। अब हमने दोनों सीजन्स में इन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ कुछ जान लिया था, लेकिन सीज़न 3 में हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं। इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस और स्क्रीन टाइम दिया गया है और इन्हें इनकी स्टोरीज़ को ज़्यादा इस्टेब्लिश किया गया है। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट और इनके साथ हमारा जो राबता होता है ना, ये शुरू के 3 एपिसोड्स में चलता रहता है, और शुरू के 3 एपिसोड्स आपको बहुत ज़्यादा बोर कर देते हैं। आपको लगता है कि ख़त्म करो ना, गुड्डू भैया को दिखाओ ना, लेकिन वो नहीं होता है, और 3 एपिसोड के बाद आपको इसी चीज़ की आदत लग जाती है। दूसरा जो कारण है वो है गन और जो वायलेंस का ये जो वर्ल्ड है ना, ये अब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट हो चुका है। माने हमने ऐसे बहुत सारे शोज़ देख लिए हैं अब मिर्ज़ापुर और सीक्रेट गेम्स के बाद, जहाँ पे ये गोलीबारी हो रही है, गैंगस्टर की कहानियाँ, ड्रग्स की कहानियाँ, माफिया की कहानियाँ, जहाँ पे पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है और भयमुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ये सब स्टोरीज़ ना अब इतनी ज़्यादा घिस और पिट चुकी हैं कि हम इन स्टोरीज़ में अब बहुत ज़्यादा कुछ नयापन एक्सपेक्ट नहीं कर। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मिर्ज़ापुर जब रिलीज़ हुआ था तो वो 2018 में रिलीज़ हुआ था, तब OTT इंडिया में नया नया आया ही था, तब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे शोज़ के। लेकिन मिर्ज़ापुर के बाद ही इतनी लाइन लग गई ऐसे शोज़ की, आर्या हो गया या खाकी हो गया, इतने सारे ऐसे शोज़ आने लग गए कि अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा कारण जो मुझे लगता है वो है कि सेंसरशिप का बहुत बड़ा खतरा है। हम सबको आज भी याद है कि अमेज़ॉन प्राइम का ही दूसरा शो था एक तांडव, उसने सच में ही एक तांडव मचा दिया था मेकर्स के लिए और OTT के पूरे वर्ल्ड को, उसके पूरे रूल्स को चेंज कर दिया था। तांडव ने इतना तांडव मचाया था कि इंडियन गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने शोज़ पर लगाम नहीं लगाओगे तो हम सेंसरशिप लगा देंगे। तो ये जो सेंसरशिप की लटकती हुई तलवार है ना, ये आने वाले सारे शोज़ पर लटकने लगी, जिसके बाद काफ़ी सारे शोज़ तो बनने ही बंद हो गए। और जो शोज़ जो अनबैशडली जो रियल थे, रॉ थे, जैसे पाताल लोक हो गया, उन शोज़ के अब सीज़न 2 अटके पड़े हैं। बनकर तैयार हैं लेकिन अटके पड़े हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि वो पिछले सीजन्स की क्वालिटी मैच नहीं कर पाएंगे, या शायद उतनी सच्चाई नहीं बता पाएंगे जितनी पिछले सीज़न में बताई थी। या सेंसरशिप के डर की वजह से मिर्ज़ापुर को भी थोड़ा टोन डाउन कर दिया गया है। इस बार ना ही शो में उतनी गाली गलौच है, ना ही उतनी नग्नता है, और ना ही उतना खून खराबा है जो इसके फर्स्ट सीजन में था। चौथा जो कारण है वो मुझे लगता है कि जो हमारे मुख्य किरदार हैं उन्हें कम स्क्रीन पर वक्त दिया गया है। जैसा मैंने कहा, मुन्ना त्रिपाठी की डेथ के बाद या तो गुड्डू या तो कालीन भैया क्लेम करने वाले थे मिर्ज़ापुर की गद्दी को, लेकिन
ये बहुत टाइम तक अनचैलेंज रहता है। चैलेंज तो चल रहा है, लाइक एक पूरा इसके लिए सेटअप चल रहा है कि किसको मिलेगा किसको मिलेगा, लेकिन एक बहुत वक्त के लिए, लंबे वक्त के लिए वो खाली ही रहता है एक तरीके से। क्योंकि अगर वो थ्रोन भर जाता, अगर मिर्ज़ापुर की गद्दी पर कोई बैठा होता तो वो मेन लीड बन जाता। समझाता हूँ, पंकज त्रिपाठी जो इस शो की जान थे पिछले 2 सीजन्स में, वो इस बार सिर्फ 5 या 6 सीन्स के लिए शो में है। अली फजल का स्क्रीन टाइम भी बहुत कम है। आप देखिए एपिसोड 6 में अली फजल सिर्फ सिर्फ शुरू के 10 सेकंड के लिए आते हैं और उसके बाद आप उन्हें पूरे एपिसोड के लिए नहीं देखते। मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ने जानबूझकर किया है। क्यों किया है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक वीक विलन, ये मुझे इसका अगला कारण लग रहा है। इस बार ना जब मैं परफॉर्मेंसेस देख रहा था तो मुझे वो मज़ा नहीं आया, चाहे वो विजय वर्मा हो या पंकज त्रिपाठी हो या अली फजल हो। ऐसा लग रहा है कि किसी जल्दबाजी में इन्होंने काम निपटाया है और बस ख़त्म करके निकले हैं ये। हाँ, गोलू जो श्वेता त्रिपाठी ने किरदार निभाया, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, लेकिन एक किरदार जो मुझे ऐसे बार बार ना जैसे मधुमक्खी का डंक लगता है वैसे चुभ रहा था, वो है शरद शुक्ला का किरदार जो अंजुम शर्मा ने निभाया है। उनकी एक्टिंग बुरी नहीं है, लेकिन उनके किरदार के लिए जो लिखाई की गई है ना वो काफ़ी सरफेस लेवल है, उसमें कोई भी नवीनता नहीं है। वो बिल्कुल एक होता है ना कि एक रास्ते पर चल पड़ता है कैरेक्टर, और कोई भी उसमें ट्विस्ट नहीं है, कोई भी उससे उसमें सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। बहुत प्रिडिक्टेबल, बहुत ही प्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है ना, तो उससे डर लगता है उस, मतलब जब वो कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है हमें कुछ फील ही नहीं होता। अगला कारण है कि शो ना बहुत धीमा धीमा चलता है। एक सीन आता है जहाँ पे शरद और छोटे बैठ के दारू पी रहे हैं, आपस में दिल से दिल की बात कर रहे हैं, वो बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मतलब आप एक झपकी ले सकते हैं लेकिन वो सीन खत्म नहीं होता। उसके बाद एक सीन है जहाँ पे गुड्डू नेपाल पहुँचता है ड्रग क्लाइंट्स को मिलने और वहाँ जाके उनके साथ पत्ते खेलने लगता है, वो सीन भी बहुत लंबा चल जाता है। वहाँ पे गुड्डू एक बेतुकी सी कहानी सुनाता है, आपका मन करता है कि आप ना स्किप कर दें वो, अगर आप चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। इनफैक्ट सब कुछ बुरा नहीं है मिर्ज़ापुर में। अब बातें करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो मुझे अच्छी लगी। जानबूझकर जो मैंने कहा ना कि हमारी मेन लीड्स को शो से दूर रखा गया है हमें डिटैच करने के लिए, उस पर चर्चा करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें ना मिर्ज़ापुर की थीम्स समझनी पड़ेंगी। सीज़न 1 में हम समझते हैं कि कालीन भैया कौन है, कालीन भैया क्या काम करते हैं, उनके आसपास कौन से लोग हैं, पूर्वांचल में उनका इतना दबदबा क्यों है और क्यों वो बाहुबली, पूरी उनकी पावर डायनामिक्स हम समझते हैं। फिर सीज़न 2 तक आते आते ये सारा नेटवर्क बिल्डिंग हो जाती है, हमें पता है कि कौन सा किरदार अब किस किरदार को मिलेगा, कुछ नए कैरेक्टर्स इस शो में जुड़ जाते हैं। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीज़न 2 हम देखते हैं कि जो मिर्ज़ापुर की गद्दी है वो खतरे में है। इनफैक्ट जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि मुन्ना भैया की भी डेथ हो जाती है और प्रिज्यूमेबली कालीन भैया की भी डेथ हो जाती है, तो हमें लगता है कि मिर्ज़ापुर में कौन रूल करेगा। तो जो सीज़न 1 है वो राइज के बारे में है, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। सीज़न 2 जो है वो फॉल के बारे में। सीज़न 3 जो है वो प्रकोप के बारे में है कि इस सब के बाद क्या होगा, इस सब डिस्ट्रक्शन के बाद मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर के पूर्वांचल के लोग कैसे अफेक्ट होंगे, उसके बारे में सीज़न 3 है। क्योंकि जो जब कोई प्रलय आता है ना उसके बाद अमीर गरीब वो फ़र्क नहीं करता, वो सबको तबाह करता है। इसीलिए सेकेंडरी कैरेक्टर्स को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसीलिए हम देखते हैं, आप थोड़े से स्पॉइलर दे रहा हूँ, इसीलिए हम देखते हैं गुड्डू के पिताजी जेल जा रहे हैं, इसीलिए हम देखते हैं डिम्पी और रॉबिन की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है एक सीन में, आप देखेंगे एपिसोड 7 या 8 में आप देखेंगे क्या होता है रॉबिन के साथ। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं जैसे लाला का किरदार, उनकी बेटी शबनम का किरदार, उनके साथ क्या क्या होता है इस शो में। हमारे मेन किरदारों को दूर रखने का एक और रीज़न ये भी है ताकि नए कैरेक्टर्स को और नए ट्विस्ट्स को इंट्रोड्यूस करा जा सके। इस शो में ना जो राइटर्स हमें दिखाना चाहते हैं, जो मेकर्स हमें बताना चाहते हैं, हम जिस कैरेक्टर को स्क्रीन पे देखते हैं हमें उसके लिए फील होता है, हम उसके लिए उसके साथ सिंपथाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सीन ऐसा भी आता है जहाँ मेरा दिल लाला के लिए पसीज रहा होता है और दूसरे सीन में मुझे रहीम के लिए बुरा लग रहा होता है। तो राइटिंग ऐसी है कि जिस किरदार को आप देख रहे हो स्क्रीन पे उस किरदार के प्रति आपकी भावुकता जागृत होगी। इस सीज़न में ना हम औरतों को भी प्रमुख भूमिकाएं निभाते हुए देखते हैं, फिर चाहे वो माधुरी हो, गोलू हो या जरीना हो। काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं जो पूरी तरीके से इन्हीं के ऊपर ही डेडिकेटेड हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन
यही सेम बात मैं बीना त्रिपाठी के किरदार के लिए नहीं कह सकता। बीना त्रिपाठी जो शुरू के दो सीजन्स में मैनिपुलेटिव और अपॉर्चुनिस्टिक टाइप की लेडी रहती हैं, उन्हें इस सीज़न में करने के लिए कुछ दिया ही नहीं गया है। वो बस अपने लल्ला का दूध गर्म करवा रही हैं और एक या दो सीन्स में वो गुड्डू को सिड्यूस करती हैं, गुड्डू के साथ वो फिज़िकल होने की कोशिश करती हैं एक या दो सीन्स में, उनको ऐसे हिंट्स दे रही होती हैं। हाँ, एक सीन में जहाँ माधुरी के साथ वो बातचीत करती हैं वहाँ थोड़ा पता चलता है कि उनको भी पावर की हंगर है, लेकिन इसके अलावा उनका कुछ खास करने को है नहीं। अंत में मैं यही कहूँगा कि मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में सब कुछ सही नहीं है। आपका निराश होना शायद बनता भी है क्योंकि आपको थोड़ा सा बिट्रेड फील हुआ, लेकिन बावजूद इसके मिर्ज़ापुर 3 वॉचेबल रहता है, आप देख सकते हैं इसे एक बार। इसलिए भी क्योंकि इसका नाम बहुत सॉलिड है, दूसरा ये रीज़न कि जो अंत में जो फाइनल 10 सेकेंड आते हैं ना, उसमें आपको लगता है कि अगले सीज़न में क्या होगा। लेकिन दिल पर हाथ रखो जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको मिर्ज़ापुर का एक और सीज़न सच में चाहिए? अगर चाहिए तो कमेंट्स में बताइए यस, अगर नहीं चाहिए तो बताइए कि क्यों नहीं चाहिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगा, मेरा नाम है नवजोत, फिर मिलेंगे। जाते जाते सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। बाय।